तो हमने फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के अंदर जो लास्ट अपना वीडियो था उसके अंदर वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, और उसमें हमने वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं दूसरी वो हमने देख ली थी। आज हम जाएंगे उसके प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन पे, है ना, गुणा पे जाएंगे। तो गुणा यानी कि मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से कर सकते हैं वेक्टर का। पहला जो होता है वो आपको पता है कौन सा होता है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट है ना, हिंदी में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, अदिश गुणा। क्या कहेंगे, अदिश गुणा। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, डॉट से, यानी कि इसको डॉट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए और बी, दो वेक्टर हैं ए और बी, और उन वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसको करते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा, ठीक है। अब इतनी समझिए, अदिश गुणा यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कहते क्यों है इसको, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट किन्हीं भी दो वेक्टर का किया जाता है तो मिलने वाली जो क्वांटिटी होती है ना, कि ये क्या होती है, ये एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी सॉरी स्केलर राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, अदिश राशि होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर बहुत सारी सिंपल सिंपल चीजें हैं, आप पहले पढ़ चुके हो तो मैं कोई ज्यादा आगे जाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए फिर वही स्पेशल केस लेते हैं, है ना, कि फर्स्ट केस क्या हो गया कि थीटा जो है वो अगर 0 डिग्री हो, है ना, थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो कोस 0 डिग्री कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी कि ये वैल्यू क्या होती है, कोस की मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब ए डॉट बी की जो है मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है ए बी, सिंपल, जब क्या हो, दोनों एक दूसरे के क्या हो, दोनों के बीच में मिलने वाला जो एंगल है वो कितना होगा, एंगल होगा वो कितना हो, 0 डिग्री अगर होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी अपने को डॉट प्रोडक्ट की, और वो कितनी होगी, ए बी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए थीटा इक्वल टू मिनिमम कितना हो सकता है इसके लिए, एक्स ओ सी हो सकता है ना माइनस में, ठीक है, तो वो नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए दोनों एक दूसरे क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस थीटा जो होगा, ठीक है, कोस 180 डिग्री वो क्या होगा हमारे पास, मिनिमम होगा, और वो कितना हो जाएगा, -1। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम, और वो कितनी होगी, -AB, है ना। तीसरा कि अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो उस केस में क्या होगा, यानी कि ए और बी दोनों एक दूसरे को क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इन दोनों केस में क्या हो रहा है, इसमें पैरेलल है, इसमें एंटी पैरेलल है, इसमें क्या होगा, 90 डिग्री वाले में यानी कि एक दूसरे के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर है, तो कोस 90 डिग्री कितना होता है, जीरो। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी मिलेगी हमें, ये मिल जाएगी ए डॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला जो कंसेप्ट है ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, इस पे जो है हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है। मेरे को ये कराने का कोई ज्यादा शौक नहीं है ना, पर क्योंकि अपने दिक्कत क्या है, क्योंकि मुझे पता आपको सबको पहले से पता है ये सब चीजें, लेकिन क्योंकि इस कंसेप्ट तक पहुंचने के लिए सारा चीजें हमें करनी पड़ती है, किसी को स्किप जो सिंपल सिंपल है जल्दी जल्दी करने में रहते हैं इसको हम। तो सबसे पहले मैं अगर कंसेप्ट लिखूं किसका, स्केलर प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब हुआ अदिश गुणा, है ना। तो अदिश गुणा में क्या होगा कि ए डॉट बी को कुछ हम इस तरह से लिखते हैं, ए बी को थीटा की तरह, ठीक है। दूसरा चलिए इसी में लिख देते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0, मैं इसी का लिख देता हूँ खाली, तो क्या हो जाएगा, ए बी की आपको वैल्यू, ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, इफ थीटा इक्वल टू 90 वाला लिखता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, इस पे क्वेश्चन आपके बनेगा ही बनेगा, ये कितना होता है 0, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा के रख लेना कि इस पे आपको क्वेश्चन हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन दे ही दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसके अकॉर्डिंग अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं ना, i.i.j.j.k.1 होता है, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी आप देख सकते हो कि i का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, ठीक है, x y और z मान लीजिए, तो x डायरेक्शन में क्या हुआ, i, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी, 1, तो 1 × 1 कितना हुआ, 1, इसी तरह से j डॉट j भी कितना हो जाएगा, 1, और के डॉट के भी कितना हो जाएगा, 1, इसके अलावा जो भी केस होंगे, आई
का जे के साथ में 90 डिग्री एंगल, तो आई डॉट जे कितना हो गया, जीरो। ठीक है, आई का सॉरी जे ये था, ये जे था और ये के था। ठीक है, तो आई का जे के साथ एंगल कितना है, 90, जीरो। आई का के साथ जीरो, के का जे के साथ जीरो, कुल मिला के बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट इसमें आता है, वो आता है प्रोजेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि कई बार हमें कंफ्यूजन ये रहता है प्रोजेक्शन में, आप इसको समझ लीजिए। प्रोजेक्शन में ये तो पता है कि एक कोस थीटा इक्वल टू समथिंग कुछ ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोस थीटा नीचे आता है या ए इधर आता है या बी इधर आता है, वो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कई बार मैंने बच्चों को ऐसा देखा, हर किसी के नहीं लेकिन रहता है। तो सबसे पहले आप प्रोजेक्शन का मतलब समझिए। ये सपोज कर लिए एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, प्रोजेक्शन का मतलब प्रक्षेप है ना, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, प्रक्षेप यानी कि एंगल कितना है दोनों के बीच में, थीटा है ना। तो मैं टॉपिक दूसरा लिख रहा हूँ, वो कौन सा हो जाएगा इसी में, प्रोजेक्शन। हिंदी में अगर कहेंगे इसे तो कहेंगे प्रक्षेप, प्रक्षेप है ना। तो अब सपोज करिए कि मुझे प्रक्षेप निकालना है बी का ए पर, है ना। क्या करना है, बी का ए पर प्रक्षेप निकालना है। तो प्रक्षेप का मतलब पहले समझिए। प्रक्षेप का मतलब है कि जैसे आप ये मान लीजिए कि एक पेड़ है या आप खुद खड़े हो, तो आपको क्या होगा, सूरज आप पे किरणें डालता है, रे आती है, रे से आपका क्या बनता है, जो है परछाई बनती है ना। तो वो जो परछाई बनती है यानी कि बी की ए पे कितनी परछाई बनेगी, कितनी लेंथ होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, बी का ए पर प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, इस केस में क्या करना है, सूरज तो क्या होता है किसी भी एंगल पे हो सकता है, यहाँ पे क्या करना है हमें, ए से 90 डिग्री पे क्या करते हैं, लाइट डालते हैं। तो जैसे लाइट 90 डिग्री पे लाइट डालेंगे तो इसका ये यहाँ तक की क्या बनेगी, बी होगी, लेंथ होगी। तो ये जो लेंथ होगी इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये हमारे पास ए है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ है इसकी, इसकी परछाई है वो, इस परछाई की लंबाई कितनी होगी या इस परछाई की वैल्यू क्या होगी वेक्टर के फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन या प्रक्षेप बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो ये अगर मैं इसको ट्राइंगल मान लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये क्या हुआ, बेस। तो बेस कैसे निकालेंगे, जब आपको हाइपोटेन्यूस देख रखा है तो बी कोस थीटा, तो ये क्या होगा, बी कोस थीटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बी का ए पर प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी कोस थीटा। तो इस फॉर्मूले में अगर आप बी कोस थीटा निकालना चाहें तो ए को क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, तो कुल मिला के क्या बन गया, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या बना, बी कोस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए। ठीक है, दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसका मतलब क्या है, बी का प्रक्षेप, हिंदी में लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ए का प्रक्षेप किस पर, बाकी बचे हुए पे है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग और अच्छी कर देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो गया, अब मुझे क्या करना है, इसका अपोजिट करना है। अपोजिट में मैं क्या करूँगा, अब बी के परपेंडिकुलर लाइट डालनी है। तो जब जैसे ही बी के परपेंडिकुलर में लाइट डालता हूँ इधर से, ठीक है, ये बी है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे लाइट डालते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से एक इसका प्रोजेक्शन बनेगा। ठीक है, एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो अब ये जो चीज़ होगी यहाँ से यहाँ तक की वेक्टर कितना होगा, ये वैल्यू वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो कुल मिला के ये क्या बनेगा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। अब इस ट्राइंगल में बेस निकालना है, तो बेस निकालना, तो ये कितना हो जाएगा, बेस ए कोस थीटा। ठीक है, निकाल के देख लेना, सिंपल सी बात है, आपको आता होगा, इसका निकालना ये कितना होगा, ए कोस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब प्रोजेक्शन ऑफ ए यानी कि ए का प्रोजेक्शन, ए कहाँ जा रहा है, ए की जो परछाई है वो कहाँ जा रही है, बी पे जा रही है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए, ठीक है, ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, वो क्या हो गया, ए का प्रक्षेप बी पर, वो कितना हो जाएगा, ए कोस थीटा। तो ये बन गया ए डॉट बी वेक्टर में डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रोजेक्शन। तो कई बार कन्फ्यूजन रहता है, ए को थीटा लेवे या बी को थीटा लेवे, किसका किस पे लेवे, तो कन्फ्यूजन की बात नहीं है। सीधा सीधा क्या करना है, प्रोजेक्शन का मतलब है कि कितनी लंबी परछाई बनेगी, वो फाइंड आउट हमें करना है। ठीक है, तो मैं यह लिख देता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो क्या लेना है, ए
कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी, दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो हो जाएगा बी कोस थीटा ए डॉट बी अपॉन सी, ठीक है। ए का बी पर प्रक्षेप, बी का ए पर प्रक्षेप, ठीक है। चलिए ये हो गया कंसेप्ट, हो गया कंप्लीट अपना। इसको इम्पोर्टेंट लगाया ना आपने, यानी कि परपेंडिकुलर वाला जो केस है ना, उसको आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आप चाहे नहीं चाहेंगे तो भी एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में जो आपके 120 क्वेश्चन आएंगे उसमें दिख जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। चलिए, या तो इसके यूज से दिख जाएगा, या आपको क्या करेंगे, ये जब अपन मैग्नेटिक फील्ड और वगैरह पढ़ेंगे ना वहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन, तो उसमें भी फिर से इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। हो सकता है ए डॉट बी नहीं आए, लेकिन क्या करेंगे वहाँ पे ग्रेड डॉट करते हैं, डाइवर्जेंस निकालते हैं, तो उसके अंदर ये इक्वेशन जो है वो बड़ी काम आती है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास स्केलर प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। मैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन दूंगा इसके आपको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे, तो आप सिर्फ इनका जो है कैसे कंसेप्ट बनाए हैं उनको पता करने के लिए मैं ये सब करवा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं सदिश गुणा, क्या कहते हैं, सदिश गुणा, ठीक है। अब सदिश गुणा है तो सदिश में क्या करना पड़ेगा, इसको दूसरा क्या बोल सकते हैं अपन, प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। क्या होता है ये, जैसे वो डॉट प्रोडक्ट था वैसे ये क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि दो वेक्टर हैं वो किसी प्लेन में हैं, सपोज कर लीजिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये क्या है, किसी प्लेन में पड़े हैं, ठीक है। एक्स ए या बी है तो इन दोनों वेक्टर से किसी प्लेन में ये हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि इनके बीच में एंगल हमें गिवन है कितना है, थीटा है, तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं कि ए क्रॉस बी, और ये होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, सदिश गुणा, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। और क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट किया जाता है तो उस केस में जो हमें लास्ट में रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है, ये रिजल्टेंट क्वांटिटी जो परिणामी भौतिक राशि है वो क्या होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इस पे एन कैप, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एन कैप। इस एन कैप का मतलब है ए और बी से मिलने वाला जो प्लेन है, जो समतल है, उस समतल के क्या रहेगा, हमेशा वो लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर रहेगा। और कैसे होगी इसकी डायरेक्शन, तो हम राइट हैंड जो हमारा है उससे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। और वो क्या होता है, पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए की तरफ आप क्या करिए, उंगलियां कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, बी, तो बी की तरफ उंगलियां मोड़ दीजिए, अंगूठा उठा दीजिए, वही क्या हो जाएगी आपकी एन कैप की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज ये किसकी डायरेक्शन है, ये है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अब अगर मान लीजिए मुझे क्या निकालना है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालनी, तो वो क्या होगी, तो बी की तरफ उंगलियां करिए, ए की तरफ मोड़ दीजिए, अंगूठा उठा दीजिए, तो इस किधर हो गया, इस पेन के परपेंडिकुलर नीचे की ओर, ये किसकी है, माइनस एन कैप, या फिर कह सकता हूँ बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन के साथ में जो टोटल क्वांटिटी मिलती है वो इक्वल नहीं होगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, इधर एन कैप मिल रहा था, इधर माइनस एन कैप मिलेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, बहुत सिंपल सी है, क्या है, ये ए है, ये बी है, ए की तरफ राइट हैंड किया, उंगलियां घुमाई, और ये ऊपर की ओर, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला आप बाकी स्क्रू का भी नियम है, और भी बहुत सारे नियम है, उन पे हमें नहीं जाना। मैं हर एक क्वेश्चन जो है आगे भी जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ेंगे वहां पे भी ऐसा चीजें आएंगी, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह ना, तो उसमें भी मैं सिर्फ इसी हैंड वाले से, इसी क्वेश्चन से आपको करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो सब इसी से बताऊंगा, है ना। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो इस चीज को ध्यान रखिए, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो जो पहले क्वांटिटी आ रही है उसकी तरफ उंगलियां करिए, दूसरी तरफ मोड़ दीजिए, और ऊपर की तरफ अंगूठा कर दीजिए, मतलब जिधर भी है अंगूठा उठा दीजिए, वही डायरेक्शन क्या होगी, उनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज हमें पता चल गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अब इसके अंदर कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम और क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर थीटा पूछेंगे तो थीटा हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मोड निकाल लीजिए और डिवाइड में ए बी लिख दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, थीटा दे देंगे, ठीक है।
चलिए और क्या हो सकता है? अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैं मिटा देता हूँ एक बार। क्रॉस प्रोडक्ट पे आपको कोई ऐसे एजिटेट क्वेश्चन देंगे नहीं, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट पे आपको ऐसा नहीं देंगे। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकल के आती है वेक्टर की, उन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन जो है वो मैंने कई बार देखा कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी इसको अगर नॉर्मल कहेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणा की बात करता हूँ। तो सदिश गुणा में क्या है, ये आपको पहले से ही पता है कि ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा और एन के। ठीक है, साइन थीटा अगर फाइंड आउट करना है, थीटा एंगल फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी मोड ले लीजिए और नीचे ए बी। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये बताने की जरूरत है क्या कि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई क्या होगा? नहीं है ना, फिर भी देख लीजिए, ये एक सर्कल बना लिया, इसमें आपने आई लिख दिया, जे लिख दिया और के लिख दिया, एंटी क्लॉकवाइज आप क्या करिए, इसमें एरो बना दीजिए। अब क्या करना है, आई का जे से क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। जे का के से हो रहा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और के का आई से हो रहा है इसी डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अपोजिट करना है, जे का आई से करेंगे तो माइनस के, आई का के से करेंगे तो माइनस जे। ठीक है, और के का जैसे करेंगे इसके अपोजिट चलेंगे तो क्या करो, जो बची हुई क्वांटिटी वो लिख दो और उसमें माइनस लगा दो। ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको आता है पहले से, इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा फिर मान लीजिए अगर आपको कंपोनेंट की फॉर्म में दे दिया, है ना, कंपोनेंट का मतलब क्या है, ए को आपने एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इसी तरह से बी को भी आपने आपको बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के की फॉर्म में दे दिया, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। हालांकि मुझे पता आपको आता है, फिर मैं एक बार मेरी जो ड्यूटी है उसको पूरा कर देता हूँ। आई जे के फिर यहाँ क्या लिखेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई और बी जेड। अभी मैट्रिक्स सॉल्व करना आपको आता है, ये मैं नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से अपन वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले नहीं है, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ लिख के छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इनपे हमें जाना भी नहीं है, जो आने वाले हैं उसी पे हम जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या बच गया इसके अंदर। अब जो है वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर जो एक चीज बच जाती है वो है इसके स्केलर प्रोडक्ट। मैंने आपको क्या बताया, जो उसका परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो जब थीटा कितना हो 90, उस पर क्वेश्चन पड़ता है। इसी तरह से इस वाले में जो है कुछ टॉपिक है या कुछ सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछ जाते हैं, मैं उस पर चलना चाहूंगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले पूछा था वो पूछा था एरिया, है ना, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको दो वेक्टर देंगे, ये दो वेक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, जो ट्राइंगल है उसकी साइड को डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, भुजा को प्रदर्शित करते हैं, उस केस में एरिया कितना होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्राइंगल मतलब, है ना, तो कितना हो जाता है। अब इसमें ध्यान रखिए क्या दे रहे हैं, ए और बी ये दोनों साइड हैं, सारे क्वेश्चन के लिए यही चलेगी, तो कितना हो जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी मोड के अंदर। तो ये क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट वापिस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के लिए। समान चतुर्भुज में क्या दिया, अगर ए और बी क्या है, साइड है, दोनों चीजें ध्यान रखना ना, ए और बी अगर क्या देते हैं, साइड यानी कि भुजा देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, भुजा। तो भुजा वाले केस में क्या हो जाएगा, एरिया वो हो जाएगा ए क्रॉस बी हो जाएगा। और यहीं पे अगर इसी वाले केस के अंदर ये ए और बी क्या देते हैं, डायगोनल देते हैं, हिंदी में कहेंगे डायगोनल को क्या, विकर्ण, है ना, ये क्या देते हैं अपने को, विकर्ण दे देते हैं, डायगनल दे देते हैं ए और बी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये एरिया हो जाएगा ए क्रॉस बी के साथ 1/2, यानी कि जो त्रिभुज वाला हमारे पास था सेम वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, चौथा, चौथा है वो समझने का भी है और लिखने का भी है, कि अगर मान लीजिए आपको तीन वेक्टर दे दिए ए बी और सी, क्या दे दिए,
ए बी और सी तीन वेक्टर दे दिए। अब ये पूछ लिया कि ये क्या है, को प्लेनर यानी कि समतलीय है या नहीं है, क्या होंगे को है ना, को प्लेनर यानी कि समतलीय। ठीक है, तो समतलीय है या नहीं है, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, कोई कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, खाली रटना भी नहीं अपने को। तो कंसेप्ट क्या होगा इसका, तो देखिए कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर बी मान लेता हूँ और ये वेक्टर सी मान लेता हूँ, है ना, बीच में दोनों में कोई एंगल हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बी और सी का क्या करता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ। ठीक है, बी और सी का क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इससे बनने वाला जो भी वेक्टर आएगा नया, ठीक है, इससे बनने वाला जो भी एक वेक्टर होगा उसे मान लीजिए मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है ना। नया वेक्टर क्या होगा, डी होगा। और अगर मैं इस डी की डायरेक्शन देखना चाहूँ तो ये क्या होगा, ए और बी एक प्लेन बनाएंगे इस तरह से। क्या करेंगे, ए और बी किसी ना किसी प्लेन में होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको तिरछा कर देते हैं, ये किसी ना किसी प्लेन में होंगे। तो जो डी की डायरेक्शन होगी वो क्या हो सकती है, या तो अगर बी क्रॉस सी है तो बी क्रॉस सी का मतलब क्या, इस डायरेक्शन में होगा वो, यानी कि इन इस पूरे के पूरे प्लेन से वो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, को प्लेन का मतलब क्या है कि जो तीसरा वेक्टर है अपने पास ए, वो भी कहाँ होना चाहिए, इसी प्लेन में होना चाहिए। तो इसी प्लेन में होना चाहिए, तो ये बाकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है उसकी, लेकिन वो डायरेक्शन जो भी होगी वो क्या होगी, इस प्लेन में ही होगी, इस प्लेन से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको ये समझना चाहें तो सपोज करिए मेरे पास एक कॉपी है ना, तो ये मान लीजिए वेक्टर ए है, बी है, और ये वेक्टर क्या है, सी है। तो इसका मतलब इसी प्लेन में, ठीक है, क्या है, ये मेरा प्लेन हो गया है, इस प्लेन में क्या है, बी और सी है। अब मैं कह रहा हूँ बी क्रॉस सी जो है वो क्या होगा, या तो इधर होगा या इधर, मतलब इसके जो भी प्लेन होगा इस प्लेन पे क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा, यानी कि इस प्लेन की डायरेक्शन में होगा। अब मैं कहता हूं कि एक तीसरा वेक्टर ए है जो क्या इस प्लेन में होना चाहिए, तो जब इस पूरे के पूरे प्लेन के ये डी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसमें से आप कोई सा भी प्लेन जो वेक्टर ले लेंगे जो इस प्लेन में होगा, उसके साथ भी ये कितना बनाएगा, डी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैं इस बी क्रॉस सी के साथ ए का डॉट प्रोडक्ट करूं तो वो कितना आना चाहिए, यानी कि जो डी के साथ अगर ए का मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कोस थीटा, कोस थीटा यानी कि दोनों के बीच अगर एंगल 90 डिग्री है तो कितना हुआ, जीरो हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि को प्लेनर यानी कि समतलीय होने के लिए कंडीशन क्या है कि ए डॉट बी क्रॉस जो सी है वो कितना होगा, जीरो होगा। इस पे क्वेश्चन इन जो है, मतलब इस पे क्वेश्चन नहीं पूछ के, ये जो मैंने आपको लिखा है अलग पॉइंट, इन पे जो है क्वेश्चन आता ही आता है लगभग लगभग एग्जाम में। आप अगर देखोगे कंपटीशन में तो डायरेक्टली इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। को प्लेनर वाला तो मैंने कई बार देखा है, ये भी पूछते हैं, को प्लेनर का कई बार देखा। इसी तरह से एक और कंसेप्ट बच जाता है, वो है सह रेखीय यानी कि को लीनियर, है ना। पांचों में यहाँ देता हूँ, को लीनियर, को लीनियर का मतलब हुआ स रेखीय। ठीक है, क्या होगा, सह रेखीय। अब सह रेखीय का मतलब क्या है, एक ही लाइन में होने चाहिए। ठीक है, अब दो वेक्टर एक ही लाइन में होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, एक ही लाइन में होने का मतलब है कि उनके बीच एंगल कितना होगा, भाई एक वेक्टर ऐसे है दूसरा ऐसे है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, या तो जीरो होगा, या भाई ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है, या तो जीरो होगा या 180 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब क्या है, को लीनियर अगर वेक्टर है ए और बी तो इसका मतलब है थीटा बराबर कितना होगा, या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस कंसेप्ट का यूज करूं, किसका, कि ए क्रॉस बी का मोड ले लेता हूं, तो वो कितना होगा, ए बी साइन थीटा होगा, है ना, कितना होगा, ए बी साइन थीटा। अब थीटा कितना होगा, अगर थीटा साइन थीटा चाहे 0 ले लो या साइन थीटा 180 ले लो, दोनों ही केस में कितना होता है, इसका वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 0 आती है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, सरेखीय होंगे, यानी कि को लीनियर होंगे। अब कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान क्या रखना है कि इस प्रोडक्ट में मेरा वेक्टर प्रोडक्ट बढ़ाने का रीजन ये नहीं था, उसको बढ़ाने के रीजन क्या था, ये था। इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट को बढ़ाने का रीजन वो डॉट प्रोडक्ट समझाना नहीं था, क्या था कि जब परपेंडिकुलर होते हैं तो कैसे सोल्व करना वो होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इनको आप एक बार, जो कंसेप्ट है इनको आप एक बार अच्छे से लिख लें और इनको याद करें। ठीक है, समझा दिया मैंने, को लीनियर और को प्लेनर ये समझाने का था इसलिए समझा दिया, बाकी ये दोनों याद करने के हैं तो इनको आप याद कर लीजिए।
ठीक है। इनके जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम देख लेंगे, ठीक है, या एक दो क्वेश्चन करके देखें। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए छोड़िए नेक्स्ट में करेंगे क्योंकि नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन वगैरह खूब ज़्यादा करना पड़ेगा, तो यहीं छोड़ देते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो पूरा का पूरा जो इन्हीं जो हमने इससे पहले जो वेक्टर का जो टॉपिक था अपना उसके कंसेप्ट प्लस डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट और प्लस क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट उस पर कुल मिला के, अच्छा वैसे लंबा नहीं हुआ, चलो ले लेते हैं क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरह का कि थ्री वेक्टर ए बी सी, थोड़ा सा ट्रिकी ले रहा हूँ क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन है कि थ्री वेक्टर ए बी सी, तो क्वेश्चन में गिवन है हमें तीन वेक्टर है ए बी और सी, ठीक है, आर सच दैट, किस तरह से है कि ए जो है वो बी प्लस सी के इक्वल है, ठीक है, एंड देयर मैग्नीट्यूड आर इन रेशियो, इनके मैग्नीट्यूड जो है ए बी सी के वो क्या है, इनका रेशियो है 5:4:3, है ना, 5:4:3, ये क्या है इसके मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण है इनके। देन उसके बाद में फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी, यानी कि ए और सी के बीच में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। चलिए कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए और सी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। अब रिलेशन क्या दिया हुआ, ये रिलेशन, तो हमेशा ध्यान रखिए जो गिविन है उसी से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से लिखता हूँ कि ए माइनस सी इक्वल टू वेक्टर बी, इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस साइन में। ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन अगर पूछते ए और बी में तो अपन बी को इस तरफ लाते, क्योंकि मुझे क्या करना है, एंगल निकालने के दो ही तरीके हैं, या तो साइन थीटा वाले में चले जाओ या कोस थीटा वाले में चले जाओ, अभी हमने वही पढ़े एंगल निकालना दो के बीच में, ठीक है, तो चलते हैं उसी में। तो मैं क्या करता हूँ इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ए बी और सी की क्या है मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तो ए यही बस ट्रिक था इसके अंदर और कुछ नहीं है ना, इसका इसी के साथ में हमने क्या किया डॉट प्रोडक्ट किया, तो उससे मेरे पास वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ कोई दिक्कत है क्या, इसका इसी के साथ मैंने एक बार फिर से डॉट प्रोडक्ट कर लिया है, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करना क्योंकि आसान है बजाय कि क्रॉस के, तो मैं इसी में चल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ए स्क्वायर, ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस ए डॉट सी, ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, सी का इसके साथ प्रोडक्ट माइनस सी डॉट ए, सी का इसके साथ प्रोडक्ट प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बी स्क्वायर, ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं कम्यूट करते हैं, है ना, क्या होते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता, डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो कुल मिला के क्या कर सकता हूँ ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा ए डॉट सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, मुझे क्या निकालना है ये वाला, तो मैं क्या करता हूँ इसको इस तरफ लेता हूँ बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा टू ए डॉट सी, इसको उस तरफ भेज देते हैं ताकि माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और ये इस तरफ आएगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, नेक्स्ट, अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो इसका मतलब डॉट को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए सी, ठीक है, कॉस थीटा, टू है टू को उधर डिवाइड में भेज दो, या टू चलो ये रहने दो एक बार, ठीक है, पूरे का पूरा क्या हो गया अब ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है तो इन सबको उधर भेज दो, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए सी, और कुल मिला के अगर इसको देखें तो ए बी और सी की वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि ये क्या है
इसके रेशियो की फॉर्म में है, तो या तो इनको एक्स करके 5x और 4x और 3x करके रखिए, चाहे डायरेक्टली, क्योंकि एक्स तो अपने आप क्या होगा, ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 25 प्लस सी कितना है, 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस डी कितना है, 4, 4 का हो गया 16, डिवाइडेड बाय ये हो गया 2, ए सी कितना हो जाएगा, ए है 5 और 3, तो 15, 15 इंटू 2 इक्वल टू 30 कर देता हूँ सीधा, ठीक है। तो कुल मिला के ये कितना हो गया, देखिए 16 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और फिर उसके अंदर ये प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 18 आएगा क्या, 18 डिवाइडेड बाय 30 आ रहा है क्या, यही आ रहा है ना भाई, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हुआ, 34, 34 माइनस 16, ठीक है। तो कुल मिला के क्या बन गया, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स, और आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 15, और आगे सॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो रहा ना, 6 से कर देते हैं तो 3, और ये हो जाएगा 5, ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे ना, यही आएगा है ना। तो कुल मिला के क्या हो गया, कोस यानी कि थीटा इक्वल टू कितना आ गया, कोस इनवर्स 3 अपॉन 5 आ गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, अब करने को तो बड़ा सिंपल है कि सर है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या है इंपॉर्टेंट ये कि आप कंसेप्ट को यूज कैसे करते हो, ये गिवन है ना। अब यही क्वेश्चन अगर आ जाता तो आप ये गच्चा खा जाते कि अब इसमें निकाले कैसे, किसको किसके डॉट प्रोडक्ट, हमने तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, इसमें तो कहीं हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आपके ये किससे आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी। ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट एक बार सही हो गया तो उसके बाद सब सही हो जाएगी। स्टार्ट क्या है, क्योंकि मुझे ए और सी के बीच में पूछा है एंगल, किसके बीच में पूछा है, ए और सी के बीच में एंगल पूछा है, तो मुझे उनको पास में लाके और इसका एक बार डॉट प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। क्रॉस भी कर सकते थे, लेकिन क्रॉस में क्या दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगी। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप कोशिश करिए उसको डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की, ठीक है, उससे कन्वर्ट करके इसको सोल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन होता बी और ए के बीच में एंगल फाइंड आउट करिए, तो मैं क्या करता, बी और एक्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना होता तो क्या करता कि बी को इस तरफ लेके आता, क्योंकि मुझे डॉट प्रोडक्ट किसका चाहिए, ए और बी का चाहिए। क्वेश्चन अगर होता बी और सी के बीच में फाइंड आउट करिए, तो मुझे क्या इसको कहीं नहीं ले जाना, सीधा सीधा यहीं पे क्या करेंगे, इसी से एक बार और डॉट प्रोडक्ट कर देते, ठीक है। चलिए आज यही वीडियो समाप्त करते हैं, लगभग टाइम हो गया अपना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा इस पे रहेगा वो कम्प्लीटली इस पे रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, तो उनके क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।